जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उसको एक नाम देते हैं उसी तरीके से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक सेलर से दूसरे सेलर के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई डिफ्रेंशिएट करने के लिए रिकोगनाइज करने के लिए उसको एक नाम दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं ब्रांड तो ब्रांड इज ए नेम टर्म साइन सिंबल और डिज़ाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई एंड डिफ्रेंशिएट द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन सेलर टू अनदर यानी कि एक सेलर से दूसरे सेलर के प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी नाम टर्म साइंस, सिंबल या डिजाइन या फिर इन सबका एक कोई कॉम्बिनेशन तैयार करके जो भी हम डिसाइड करते हैं उसी को क्या कहते हैं ब्रांड तो ब्रांड एक नाम हो गया टर्म हो गया साइन हो गया सिंबल हो गया डिजाइन हो गया या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन हो गया जो कि यूज किया जाता है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सेलर से दूसरे सेलर के प्रोडक्ट को डिफ्रेंसिएट करने के लिए उसी को क्या कहते हैं ब्रांड तो यह डिफिनेशन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा दी गई थी इसी तरीके से कोटलर एंड एमस्टॉन्ग एं, ने भी ब्रांड को डिफाइन किया उन्होंने क्या कहा कि ए ब्रांड इज ए नेम टर्म साइन सिंबल और डिजाइन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज दैट आइडेंटिफाइज द मेकर और सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट यानी कि ब्रांड जो है नाम टर्म साइन सिंबल होता है या डिजाइन होता है या फिर इन कॉम्बिनेशन होता है जो कि मेकर या सेलर के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है तो कोटलर एमस्टॉन्ग और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन दोनों की डिफरेंस डेफिनेशन जो है ब्रांड की वो नियरली सेम है तो ये ब्रांड होता है नेम टर्म साइंस सिंबल डिजाइन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस अब बात करते हैं कि ब्रांड एडवांटेज ऑफ ब्रांड अब ब्रांड के कुछ एडवांटेज भी होते हैं कि जब आप ब्रांड नेम डिसाइड करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए तो उसके कुछ एडवांटेज होते हैं जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि आपके प्रोडक्ट को ईजिली कस्टमर द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है अगर आप ब्रांड यूज़ करते हैं उसी तरीके से ब्रांड नेम जो है वो हेल्प करता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट में कस्टमर आपके प्रोडक्ट को दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकता है लीगल प्रोटेक्शन ब्रांड जो है वो लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको कंपिटेटिव एडवांटेज आप कंपटीशन को ईजिली फेस कर सकते हैं ब्रांड अच्छा होगा तो आपको कंपटीशन में एडवांटेज मिलेगा इसी तरह से सिग्नल ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट ब्रांड रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा रिस्क रिड्यूसर यानी कि ये रिस्क को रिड्यूस करता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट कस्टमर परचेज करता है तो वो ये अश्योर होता है कि हाँ उसमें रिस्क कम होगा आपको वो प्रोडक्ट जो है अच्छी क्वालिटी का होगा अच्छा ड्यूरेबल प्रोडक्ट होगा ईजी टू प्रमोट प्रमोशन में हेल्प करता है ब्रांड फर्म में बी एबल टू चार्ज ए प्रीमियम प्राइस फॉर द ब्रांड यानी कि फर्म जो है अगर ब्रांड अच्छा है तो फर्म जो है उसके लिए प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकता है हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट अगर फर्म जो है कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो अगर उसका ऑलरेडी एक ब्रांड चल रहा है तो उसके यूज करके उसका यूज करके नए प्रोडक्ट को भी इजिली लॉन्च कर सकता है हेल्प्स इन रिपीट कस्टमर द्वारा रिपीट परचेज करने में भी हेल्प करता है ब्रांड यानी कि अगर एक बार कस्टमर ने कोई ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज किया तो दोबारा जाएगा तो दोबारा वो ब्रांड ही उस ब्रांड का प्रोडक्ट को मांगेगा क्यों क्योंकि उसको अच्छा लगेगा रिपीट परचेज में हेल्प होता है मेमोरेबल होता है डिसएडवांटेज क्या है ब्रांड के तो दो डिसएडवांटेज है एक तो ब्रांडिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट यानी कि ब्रांडिंग यानी कि नाम डिसाइड करने में कॉस्ट इन्वॉल्व होता है तो ये कॉस्टली होता है और दूसरा है कि इफ ब्रांड गेट बैड रेपुटेशन देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिगेन द गुड पोजिशन यानी कि अगर एक बार आपका ब्रांड बैड रेपुटेशन पा जाता है मार्केट में बैड रेपुटेशन हो जाता है बैड ब्रांड का तो फिर दोबारा से एक गुड पोजिशन रिगेन करने में प्रॉब्लम होती है है यानी कि उस ब्रांड को दोबारा यूज नहीं कर सकते आप तो यह डिसएडवांटेज भी होता है तो यह एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ब्रांड हम बात कर लें कि ब्रांड नेम नेमसेलेक्शन यानी कि आपको ब्रांड नेम सिलेक्शन में क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए किन किन चीजों किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो पहला आता है ब्रांड एलिमेंट चॉइस क्राइटेरिया यानी कि जो भी आप ब्रांड नेम रखने जा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए उसके एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए तो सिक्स क्राइटेरिया हैं जो कि कोई भी ब्रांड नेम फुलफिल करना चाहिए फर्स्ट थ्री क्राइटेरिया जो है वो ब्रांड बिल्डिंग यानी कि ब्रांड बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं दूसरा जो लास्ट के तीन होते हैं वो डिफेंसिव होते हैं यानी कि आपके ब्रांड को प्रोटेक्ट करते हैं तो पहला है मेमोरेबल यानी कि जो आपका ब्रांड नेम होना चाहिए टर्म साइन सिंबल डिज़ाइन जो भी है वो ऐसा होना चाहिए जो मेमोरेबल हो जो कस्टमर द्वारा इजिली याद किया जा सके और याद रखा जा सके दूसरा है मीनिंगफुल यानी कि जो भी आप ब्रांड नेम टर्म साइन सिंबल यूज कर रहे हैं उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट को आपकी कंपनीज को मिशन को विजन को रिप्रेजेंट करे वो मीनिंगफुल होना चाहिए तीसरा लाइकेबल यानी कि ऐसा नेम ऐसा टर्म साइन सिंबल होना चाहिए जो लाइक किया जाए कस्टमर द्वारा सभी पीपल द्वारा फिर है ट्रांसफरेबल जो डिफेंसिव है ट्रांसफरेबल यानी कि आपके प्रोडक्ट का आपके ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो ट्रांसफर किया जा सके यानी कि एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में भी उसको यूज किया जा सके ताकि आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें ऐसा आपका ब्रांड होना चाहिए ट्रांसफरेबल होना चाहिए ठीक कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और कटेगरीज देन है अडाप्टेबल यानी कि सभी द्वारा उसको अडॉप्ट किया जा सके ऐसा ब्रांड होना चाहिए और देन प्रोटेक्टेबल यानी कि आपका ब्रांड प्रोटेक्टेबल होना चाहिए उसको आप रजिस्टर्ड कर सके उसको ट्रेडमार्क एज अ ट्रेडमार्क यूज कर सके ऐसा ब्रांड होना चाहिए तो ये छह क्राइटेरिया हैं जो कि अगर आपका ब्रांड नेम जो भी आपने नेम टर्म एंड सिंबल चूज किया है वो छह क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो आपका ब्रांड एक अच्छा ब्रांड बन सकता है देन आता है कि डिजाइनिंग डिवाइजिंग ब्रांडिंग स्ट्रेटजी यानी कि ब्रांडिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है किसी भी प्रोडक्ट को नाम देने के लिए टर्म देने के लिए साइन देने के लिए तो ब्रांडिंग स्ट्रेटजी ऑफ एंड कॉल्ड ब्रांड आर्किटेक्ट यानी कि ब्रांड को बनाना तो ब्रांड आर्किटेक्ट भी कहते हैं ब्रांडिंग स्ट्रेटजी को तो ए फर्म है थ्री नेमिंग चॉइस यानी कि एक किसी भी फर्म के पास तीन चॉइस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को नाम देने का एक तो है डेवलप न्यू ब्रांड एलिमेंट फॉर ए न्यू प्रोडक्ट यानी कि आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया तो उसके लिए एक नया ब्रांड आप डेवलप करिए दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि अप्लाई सम ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग ब्रांड एलिमेंट्स यहाँ पे स्पेलिंग है है ध्यान दीजिएगा ब्रांड ब्रांड तो apply some of its existing brand element कि जो already कोई आपने बना रखा है उसी को अप्लाई कर लीजिए नए प्रोडक्ट के लिए या फिर यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग ब्रांड एलिमेंट यानी कि आप जो है एक पुराने जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसका यूज करके, करके एक नया ब्रांड एलिमेंट यूज करके एक नया कॉम्बिनेशन तैयार करें तो इन तीन तरीकों से आप जो है आप अपने ब्रांड नेम चॉइस कर सकते हैं तो जब कंपनी या फर्म जो है किसी स्टैब्लिश्ड ब्रांड को यूज करती है नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए तो इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन ब्रांड एक्सटेंशन यानी कि आपने ऑलरेडी कोई एक प्रोडक्ट को ब्रांड नेम दिया था उसी में आपने दूसरा प्रोडक्ट भी लॉन्च करा दिया उसी ब्रांड नेम से तो उसको क्या कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन वे फर्म यूजेज इस्टैब्लिश्ड ब्रांड टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट देन कंबाइन न्यू ब्रांड विथ एक्जिस्टिंग ब्रांड तो उसको हम क्या कहते हैं सब ब्रांड आप कोई नया ब्रांड पुराने ब्रांड के साथ कंबाइन करके एक नया ब्रांड बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं सब ब्रांड कहते हैं इसी तरीके से एग्जिस्टिंग ब्रांड दैट गिव्स बर्थ टू ब्रांड एक्सटेंशन और सब ब्रांड इज द पेरेंट ब्रांड यानी कि जो पुराना ब्रांड था जिसका यूज करके आपने ब्रांड एक्सटेंशन किया या फिर सब ब्रांड बनाया है उसी को हम क्या कहते हैं पेरेंट ब्रांड कहते हैं अब हम बात कर लें कि ब्रांड नेम डिसीजन यानी कि जो ब्रांड ने हम कैसे रख सकते हैं तो आपके पास उसके पास ऑप्शन था या तो इंडिविजुअल नेम इंडिविजुअल नेम स्ट्रेटी क्या है कि डिफरेंट ब्रांड नेम फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट आप क्या कहते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड नेम डिसाइड करते हैं जैसे हेड एंड शोल्डर पेंटीन ये दोनों क्या है हेयर uh, के लिए है डॉक्टर एंड गैबल कंपनी का पी का लेकिन दोनों ही शैम्पू हैं लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट है तो अलग अलग नाम उनके लिए रखा गया अलग अलग ब्रांड नेम रखा गया है इसी तरीके से आपकी कंपनी में अगर अलग अलग प्रोडक्ट है तो आप अलग अलग सभी प्रोडक्ट के लिए नाम डिसाइड कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं इंडिविजुअल नेम दूसरा है सेपरेट फैमिली नेम यानी कि अलग अलग, अलग, अलग प्रोडक्ट लाइन के लिए आप अलग अलग ब्रांड डिसाइड कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट नहीं अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के लिए ठीक है जैसे हिंडाल को एल्यूमिनियम से रिलेटेड जो भी उनके प्रोडक्ट है उन्होंने हिंडाल को रखा है उसी तरीके सीमेंट के लिए अल्ट्राटेक रखा है टेलीकॉम में आइडिया आदित्य बिरला ग्रुप ने यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग अलग ब्रांड नेम आप ब्लैंकेट फैमिली आप कंपनी के नाम से ही एक ही प्रोडक्ट को सेल करते हैं सिंगल ब्रांड नेम इज यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट जैसे कि टाटा हो गया बजाज हो गया ये सब क्या है अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए एक ही नाम यूज कहते हैं टाटा टाटा की सॉल्ट टाटा स्टील टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा मोटर्स या वेकल्स ठीक है तो ये सभी लोग कंपनी के नाम का ही यूज करते हैं सभी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए तो पहली स्ट्रेटजी हो गई कि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग नाम रखें या फिर अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग अलग ब्रांड रखें नाम रखें या फिर आप एक ही यानी जो कंपनी का ब्रांड नेम होता है उसी का यूज आप सभी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए करें ठीक दैट इज़ ब्लैंकेट ब्रांड और फिर जो चौथी स्टेजी है दैट इज सब ब्रांड यानी कि आप कंबाइनिंग टू और मोर कॉर्पोरेट फैमिली और इंडिविजुअल प्रोडक्ट ब्रांड नेम यानी कि दो या दो से अधिक कॉर्पोरेट फैमिली या इंडिविजुअल नेम को आप कंबाइन करके जो नया ब्रांड बनाते हैं उसको क्या कहते हैं सब ब्रांड कहते हैं तो यूज़ ऑफ इंडिविजुअल और सेपरेट फैमिली ब्रांड नेम जब आप इंडिविजुअल या सेपरेट फैमिली ब्रांड नेम का यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ ब्रांड स्ट्रेटजी यानी कि एक घर में बहुत सारे ब्रांड होते हैं हाउस ऑफ ब्रांड स्ट्रेटजी और वहीं पर यूज ऑफ एन अम्ब्रेला कॉर्पोरेट ऑफ कंपनी ब्रांड नेम रिफर्स टू ब्रांडेड हाउस स्ट्रेटजी यानी कि जब आप कॉपोरेट ब्रांड नेम या एक ही नाम का यूज़ करके अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रांडेड हाउस स्ट्रेटी यानी कि एक ब्रांड है उसी के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं तो ब्रांडेड हाउस स्ट्रेटजी एक नाम का यूज़ करके बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल करना ब्रांडेड हाउस स्ट्रेटजी अलग अलग प्रोडक्ट अलग को सेल करने के लिए अलग अलग ब्रांड का यूज़ करना दैट इज हाउस ऑफ ब्रांड स्ट्रेटजी ठीक तो ये अलग अलग स्ट्रेटजी हैं जिसका यूज करके आप अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम डिसाइड कर सकते हैं